आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए शुरू करते आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा कुचिपुड़ी है दोस्तों ये असम का, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। अमरावती क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। सवाल क्या था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी। अगर हम बात कर रहे हैं कि सत्रिया, ठीक है, याद रखिए सत्रिया एक डांस है, सत्रिया, ठीक है। सत्रिया जो है दोस्तों ये कहां का है, ये असम का है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि कुचिपुड़ी कहां का है दोस्तों, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम, अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है दोस्तों, भरतनाट्यम जो दोस्तों ये कहां का है, ये याद रखिएगा दोस्तों। भरतनाट्यम याद रखिएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, कथकली कहां का है दोस्तों, कथकली, ठीक है, कथकली जो है दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहनी अट्टम भी है दोस्तों केरल का, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सत्रिया ये किस राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, ये असम का है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, अमरावती, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल दोस्तों देखने वाले दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर, याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें टोटल इसका जो मुख्यालय स्थित है, ये स्थापना कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों, यूएनओ का इसका जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क जो दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसमें टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों यूएनओ में, तो 193 देश शामिल है, याद रखिएगा 193 देश शामिल है यूएनओ में, ठीक है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थ्री नंबर सवाल है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। सवाल क्या है कि केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर है दोस्तों एक केसर का मुख्य उत्पादक राज्य। जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना जिला है दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या है, याद रखिएगा 20 जिला है। कितना जिला है दोस्तों, 20। अगर हम बात करते हैं कि भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील, ये भी कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील, ठीक है, याद रखिएगा मीठे पानी का झील, ठीक है, मीठे पानी का झील यानी कि बुल्लर झील, ये कहां स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि बुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुल्लर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर जो है ये केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगला दोस्तों फोर नंबर सवाल कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, याद रखिएगा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, आपको ध्यान रखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ये 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही परमाणु आपदा हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर, ठीक है, कि कब गिराया था 6 अगस्त 1945 को, उसके 3 दिन के बाद फिर याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945, ठीक है, 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, अच्छा हाँ अच्छा ठीक अच्छा ठीक है ठीक ठीक ठीक
ठीक है वो। देखिए दोस्तों सवाल क्या था कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को पहला हुआ था, जो हिरोशिमा पर हुआ था, याद रखिएगा हिरोशिमा पर गिराया गया था पहला परमाणु बम, कब गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। आपको याद रखिएगा उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, याद रखिएगा नागासाकी पर गिराया गया था, आपको ध्यान रखना है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था दोस्तों, लिटिल बॉय, याद रखिएगा लिटिल बॉय, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी ऊपर 9 अगस्त 1945 को, उस बम का क्या नाम था दोस्तों, फैट मैन, आपको ध्यान रखना है क्या नाम था, फैट मैन, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या था कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, ठीक है, क्या नाम था उस बम का, लिटिल बॉय, और उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, 5 नंबर सवाल देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार में स्थित, कहां स्थित है, अंडमान निकोबार, ठीक है, याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार क्या है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश, आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, क्या दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अगर हम बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है, तो ये असम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये कहां स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, आपको ध्यान रखना है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का एक्वाइर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा एक्वाइर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम ये एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, आपको ध्यान रखना है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अगर हम बात करते हैं कि 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफार खान को, याद रखिएगा खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफार, याद रखिएगा खान अब्दुल गफार खान को, खान अब्दुल गफार खान को क्या कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है। याद रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 8वां नंबर सवाल कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों, याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ये दोस्तों वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है दोस्तों ये वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो 14वें है, कह रहे हैं दोस्तों 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है दोस्तों ये अनुच्छेद, याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में किया गया, याद रखिएगा 148, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, याद रखिएगा कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल जो है
ये कैग का फुल फॉर्म होता है, यानी कि वर्तमान भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो ये 14वें है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, आपको ध्यान रखना है। कैग का अगर फुल फॉर्म बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 9 नंबर सवाल आपके सामने है। 9 नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बढ़ाने के लिए सहायक है। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा विटामिन, याद रखिएगा विटामिन के, आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जो के है दोस्तों ये रक्त का थक्का बढ़ाने के लिए सहायक है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, अगर हम बात करते हैं फिलोक्विनोन, याद रखिएगा फिलोक्विनोन, ठीक है। फिलोक्विनोन जो है, क्विनोन जो है दोस्तों ये क्या है, फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है, तो विटामिन के जो है दोस्तों ये रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है, विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी1 का रसायन नाम थायमिन होता है, विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स, क्या होता है दोस्तों रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों बांझपन, याद रखिएगा बांझपन जो है दोस्तों ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन डी का रसायन नाम होता है कैल्सिफिरॉल और विटामिन ई का रसायन नाम होता है टेकोफिरॉल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल क्या था कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है, तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है। फिलोक्विनोन जो है दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल है दोस्तों ये, याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल। अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी। हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा दयाराम साहनी, ठीक है, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का खोज किया था, कब किए थे, 1921 में किया था। याद रखिएगा कि हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल का खोज किया था। हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा स्थल कहाँ है दोस्तों, तो हड़प्पा स्थल जो है ये याद रखिएगा पंजाब के मांडगो मिरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा पंजाब के मांडगो मिरी जिले में हड़प्पा स्थल स्थित है, और हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर, हड़प्पा स्थल का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे। अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका जो खोज किए थे ये राखल दास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा राखल दास बनर्जी, ठीक है दोस्तों, राखल दास बनर्जी अगर हम बात करते हैं कि राखल दास बनर्जी, ठीक है दोस्तों, राखल दास बनर्जी अगर हम बात करते हैं कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, राखल दास बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा कि राखल दास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, याद रखिएगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किए थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो दोस्तों कौन से नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो कौन से नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी की जो लंबाई है यह 2880 किलोमीटर है, और सिंधु नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसून जल से, और सिंधु नदी कहां जा गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1907 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि सिंधु जल समझौता, ठीक है, सिंधु जल समझौता ये जो हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु नदी का पानी जो है ये पाकिस्तान जो है दोस्तों कितना परसेंट, 80%, और इंडिया जो है दोस्तों कितना परसेंट, इंडिया के अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है 20% पानी यूज करता है, ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, इसके तहत पाकिस्तान 80% और इंडिया 20% पानी यूज करता है सिंधु जल समझौता के तहत। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को, याद रखिएगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को।
आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है दोस्तों, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। याद रखिएगा कि राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो है दोस्तों, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ये क्या है दोस्तों, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अगर हम बात करते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बिहार में कितने जिले दोस्तों, तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने प्रमंडल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 9 प्रमंडल है, ठीक है। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 14 नंबर सवाल कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसा जो है दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसा जो है, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, ये सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा भुवनेश्वर जो है दोस्तों क्या है, ये उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा जो है दोस्तों ये सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था किसका, उड़ीसा का स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हीराकुंड बांध जो दोस्तों, भारत विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध। अगर हम बात करते हैं लंबा बांध कौन सा दोस्तों, हीराकुंड बांध। अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये भी कहां स्थित है दोस्तों, ये भी उड़ीसा में स्थित है, हीराकुंड बांध। अगर हम बात करते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, ये उड़ीसा। अगर हम बात करते हैं लोहा दोस्तों, इसका संकेत क्या होता है, लोहा का संकेत Fe होता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों बिहार में। याद रखिएगा कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल कि सांभर लोकटक तथा लोनार झील, आपको ध्यान रखना है कि सांभर लोकटक तथा लोनार झील किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा कि लोनार झील दोस्तों ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में कौन सा झील स्थित है, महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार झील। अगर हम बात करते हैं लोकटक झील जो है दोस्तों मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा कि मणिपुर में कौन सा झील स्थित है, लोकटक झील। अगर हम बात करते हैं कि सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में कौन सा झील स्थित है, राजस्थान में सांभर झील। अगर हम बात करते हैं लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो दोस्तों ये याद रखिएगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सांभर झील है दोस्तों ये खारे पानी का झील है, याद रखिएगा कि सांभर झील खारे पानी का झील है, याद रखिएगा खारे पानी का झील है दोस्तों कौन सा, सांभर झील खारे पानी का झील है, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि चिल्का झील, याद रखिएगा चिल्का झील। अगर हम बात करते हैं कि खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील, याद रखिएगा ये उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है खारे पानी का झील चिल्का झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि सांभर झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर और लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। याद रखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ईटानगर जो है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। याद रखिएगा कि चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का दोस्तों, याद रखिएगा कि चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों असम का।
याद रखिएगा कि असम का दोस्तों चाय उत्पादन में प्रथम राज्य। अगर हम बात करते हैं कि कॉफी, याद रखिएगा कि कॉफी सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है, किस राज्य में, ये कर्नाटक में। कहां उगाई जाती है दोस्तों? कर्नाटक। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कर्नाटक का तो बेंगलुरु जो है इसकी राजधानी है। याद रखिएगा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? असम का है। और कॉफी में किसका है दोस्तों? कर्नाटक का है। ठीक है, याद रखिएगा कि कॉफी में क्या होता है दोस्तों? कैफीन पाया जाता है। आपको याद रखना है कि कॉफी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है दोस्तों, और कॉफी में कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल कि प्रथम बौद्ध संहिति कब हुआ था? याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संहिति हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संहिति, फर्स्ट बौद्ध संहिति कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संहिति। द्वितीय बौद्ध संहिति जो हुआ था दोस्तों, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संहिति जो हुआ था, ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संहिति जो हुआ था ये कहां हुआ था दोस्तों? प्रथम बौद्ध संहिति राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा राजगृह में प्रथम बौद्ध संहिति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिति कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संहिति कहां हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संहिति हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संहिति कहां हुआ था, याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संहिति जो हुआ था ये कहां हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? ये प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संहिति। ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संहिति हुआ था, ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडल वन। ठीक है, याद रखिएगा कुंडल वन में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि कुंडल वन में, कुंडल वन कहां पड़ता है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कुंडल वन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संहिति हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध संहिति 483 ईसा पूर्व में हुआ था जो राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संहिति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संहिति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संहिति प्रथम शताब्दी में हुआ था जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संहिति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संहिति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल कि टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा टिहरी परियोजना दोस्तों ये भागीरथी नदी पर, याद रखिएगा कि भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों टिहरी परियोजना। अगर हम बात करते हैं कि टिहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो टिहरी परियोजना दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में टिहरी परियोजना स्थित है। टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, सबसे याद रखिएगा सबसे ऊंचा परियोजना कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा परियोजना टिहरी परियोजना जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा दोस्तों 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर सवाल कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ था। याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को किसका स्थापना हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? याद रखिएगा क्रिप्स मिशन भारत जो आया था दोस्तों ये 1942 में आया था। याद रखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगर हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट कब आया था दोस्तों, तो नेहरू रिपोर्ट जो आया था, आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। याद रखिएगा साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों, तो साइमन कमीशन जो आया था, आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन जो आया था दोस्तों ये आ गया था। अगर हम बात करते हैं ये भी 1928 में आया था। याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 अगस्त यानी याद रखिएगा दोस्तों 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, करो और मरो। ठीक है, करो और मरो का नारा कब दिए थे? करो और मरो का नारा दिए थे 9 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये कब हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, कहां हुआ था, ये मुंबई में हुआ था, कहां हुआ था दोस्तों, ये मुंबई में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। अगला दोस्तों 24 नंबर सवाल की पेंटागोनिया मरुस्थल कहां स्थित है, याद रखिएगा ब्यूनर्स आयर्स, ठीक है, अर्जेंटीना की जो राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा अर्जेंटीना में ही, ठीक है, अर्जेंटीना में ही इसका स्थित है, अर्जेंटीना में ही स्थित है दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल, याद रखिएगा कि अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, याद रखिएगा दोस्तों कि अर्जेंटीना में ही, याद रखिएगा अर्जेंटीना में ही पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। अर्जेंटीना एक देश है दोस्तों जिसका राजधानी क्या होता है, ब्यूनर्स आयर्स होता है, याद रखिएगा ब्यूनर्स आयर्स, ठीक है, ब्यूनर्स आयर्स क्या होता है दोस्तों, ब्यूनर्स आयर्स जो होता है दोस्तों ये किसका राजधानी है, ये पेंटागोनिया अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों, ब्यूनर्स आयर्स, ये पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है, कहां स्थित है, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की जो राजधानी है ये ब्यूनर्स आयर्स है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को, याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सिर्फ हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को, याद रखिएगा, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, और सिर्फ हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 26 नंबर सवाल कि भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा भारत के 9 राज्य, ठीक है, भारत के 9 राज्य, टोटल भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा, अगर पहले बात करते हैं गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा क्या जाएगा दोस्तों, गोवा, याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों, केरल, केरल, तमिलनाडु, छठा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, सातवां जगह दोस्तों आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, आठवां क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा, उसके नौवां क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, टोटल 9 राज्य है दोस्तों ये भारत के समुद्र, यानी कि भारत के टोटल 9 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, टोटल 9 राज्य जो का समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा निष्क्रिय गैसों की संख्या दोस्तों 6 कितने है दोस्तों, 6 निष्क्रिय गैस है, कौन कौन सा, सबसे पहले अगर बात करते हैं हीलियम, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्टन, ठीक है, पांचवा अगर बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, छठा क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़ीनॉन, यानी कि एक्सी ज़ीनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ीनॉन, टोटल 9 और 6 निष्क्रिय गैस होते हैं, याद रखिएगा निष्क्रिय गैस की वातावरण कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा कि निष्क्रिय गैस की वातावरण कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे भारी निष्क्रिय गैस कौन है दोस्तों, तो रेडॉन जो दोस्तों सबसे भारी है, आपको ध्यान रखना है, रेडॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, रामजे ने किया था, किसने किया था, रामजे ने रेडॉन का खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निष्क्रिय गैसों की खोज किसने किया था, यानी नोबेल प्राइज का खोज किसने किया था, तो रामजे, याद रखिएगा रामजे ने किसका खोज किया था, निष्क्रिय गैस की खोज किया था, और रेडॉन का भी खोज किसने किया था, रामजे ही ने किया था, टोटल 9 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और ज़ीनॉन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 32 में, याद रखिएगा कि आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया, याद रखिएगा कि संविधान का आत्मा कहा गया दोस्तों आर्टिकल 32 को, ठीक है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया, क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा, ठीक है, संविधान का आत्मा किसे कहा गया, किस आर्टिकल को किया गया है, तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की जो शक्ति है दोस्तों, ये अनुच्छेद 123 में है, कितना है दोस्तों, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 123 में, अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की शक्ति है, याद रखिएगा कि राज्यपाल के लिए किसमें है दोस्तों, तो राज्यपाल के लिए अगर हम बात करते हैं
कि राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो राज्यपाल के लिए है 213 में, याद रखिएगा 213 आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल 213 में राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति है। याद रखिएगा कि राज्यपाल के लिए अध्यादेश की शक्ति 213 में। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए 123 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर, कि पुदुचेरी में कितने जिले हैं। याद रखिएगा कि पुदुचेरी में 4 जिले हैं, कौन कौन सा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यमन, याद रखिएगा यमन दोस्तों। दूसरा अगर बात करेंगे कराईकल, याद रखिएगा कराईकल, कराईकल दोस्तों याद रखिएगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे माहे, ठीक है माहे। अगर चौथा बात करेंगे तो पुदुचेरी, ठीक है पुदुचेरी, 4 जिला है दोस्तों पुदुचेरी का। कौन कौन सा, यमन, कराईकल, ठीक है कराईकल, ठीक है कराईकल, माहे और पुदुचेरी, टोटल 4 जिला है किसका, पुदुचेरी में 4 जिला। पुदुचेरी क्या है दोस्तों, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा वर्तमान में राज्य भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। आपको ध्यान रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में भारत में, ठीक है। अगला देखते हैं 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। याद रखिएगा बैरन द्वीप, ठीक है बैरन द्वीप, याद रखिएगा बैरन द्वीप जो है दोस्तों, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहां स्थित है, ये स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार। याद रखिएगा अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में। आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। जो बैरन द्वीप है दोस्तों, जो कहां स्थित है, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है आपको ध्यान रखना है, जो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर सवाल, कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। याद रखिएगा सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए, याद रखिएगा रमन प्रभाव के खोज के लिए सीवी रमन को, ठीक है 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ध्यान रखना है सीवी रमन को रमन प्रभाव खोज के लिए, याद रखिएगा रमन प्रभाव खोज के लिए, ठीक है रमन प्रभाव खोज के लिए। आपको ध्यान रखना है कि रमन प्रभाव खोज के लिए, खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में, आपको ध्यान रखना है कि सीवी रमन को 1930 में, सीवी रमन को 1930 में क्या है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1930 में रमन प्रभाव के खोज के लिए, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो देखिए याद रखिएगा कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। याद रखिएगा कि मदर टेरेसा, ठीक है याद रखिएगा कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। आपको ध्यान रखना है कि मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये 1979 को मिला था। याद रखिएगा कि 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, हर गोविंद खुराना, ठीक है जीन संश्लेषण की खोज के लिए, जीन संश्लेषण की खोज के लिए हर गोविंद खुराना को 1968 को, ठीक है याद रखिएगा 1968 को हर गोविंद खुराना को जीन संश्लेषण की खोज के लिए हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार 1913 में, रमन प्रभाव के खोज के लिए 28 फरवरी, ठीक है याद रखिएगा 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव के खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर सवाल, कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 अप्रैल को, याद रखिएगा दोस्तों कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखिएगा विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को। याद रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और 22 मई को, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, याद रखिएगा आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों दुबई में। याद रखिएगा दोस्तों कि दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ आईसीसी का ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में, ठीक है 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है। आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, दुबई में स्थित है, और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1909 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
याद रखिएगा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मनु साहनी जो है दोस्तों वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल है कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। याद रखिएगा कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 36 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है। याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 20 में। याद रखिएगा भाग कितने होते हैं दोस्तों, भाग होता है 22। याद रखिएगा भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया, यानी कि किस आर्टिकल में किया गया है, तो 368। याद रखिएगा 368 आर्टिकल में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, और भाग पूछेगा तो भाग 20 में होगा और आर्टिकल पूछेगा तो 368, ठीक है, यानी 368 आर्टिकल में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, याद रखिएगा, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दिहांग के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और सबसे पहले ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, उसके बाद असम में प्रवेश करती है, और असम में एक द्वीप बनाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है असम में कौन से द्वीप बनाती है, तो असम में भारत की यानी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, आपको ध्यान रखना है कौन से द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप बनाती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किस राज्य में बनाती है, असम राज्य में बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, आपको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल कि मोहन जोदड़ो को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा कि मोहन जोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। याद रखिएगा मृतकों का टीला, आपको ध्यान रखना है कि मृतकों का टीला कहा जाता है किसको, मोहन जोदड़ो को। मोहन जोदड़ो का खोज कब हुआ था, इसका खोज हुआ था 1922 में हुआ था, किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहन जोदड़ो जो दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा कि मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है, और सिंधु नदी की जो लंबाई है ये 2880 किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखना कि लोथल है दोस्तों गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा लोथल कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। अगर हम बात करते हैं कि लोथल कहाँ है दोस्तों, तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल क्या है दोस्तों, तो लोथल जो है एक बंदरगाह है, याद रखिएगा लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल किस राज्य किस नदी किनारे स्थित है, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर सवाल यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है ये पेरिस में स्थित है, कहां स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस जो है दोस्तों ये सीन नदी किनारे स्थित है, कौन सी नदी, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है ये पेरिस में स्थित है, पेरिस किसकी राजधानी दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्थापना हुआ था यूनेस्को का ये 1945 में हुआ था, कब हुआ था, 1945 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है पेरिस में स्थित है, पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है, ठीक है, और यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945
1945 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था ये 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। स्वेज नहर ये दोस्तों किस देश में स्थित है? अगर हम बात करते हैं कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है, याद रखिएगा ये मिस्र में स्थित है। कहां स्थित है? मिस्र में स्थित है। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी जो राजधानी है दोस्तों काहिरा, याद रखिएगा काहिरा इसकी राजधानी है मिस्र का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वेज नहर क्या करता है दोस्तों? ये लाल सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। याद रखिएगा स्वेज नहर क्या करता है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है। स्वेज नहर क्या करता है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्वेज नहर कब निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है, और मिस्र की जो राजधानी है वो दोस्तों काहिरा है। अगर हम बात करते हैं 42 नंबर सवाल की, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी इन्हीं के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। याद रखिएगा ये प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और दूसरा युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीता था, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपको ध्यान रखना है कि 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और मराठों के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध? याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को हुआ था अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला सवाल लेते हैं 44 नंबर सवाल कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? याद रखिएगा वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 में आया था। याद रखिएगा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा भारत आया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। किस स्थान पर आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। याद रखिएगा केरल के कालीकट, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे आया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बंदरगाह पे आया था कौन? ये आया था दोस्तों वास्को डी गामा आया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा अगला सवाल लेते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1913 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। याद रखिएगा कि लाला हरदयाल, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना 1913 में किए थे, आपको ध्यान रखना है। कहां किए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में किए थे। कहां किए थे? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है दोस्तों? ये अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। याद रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अगला दोस्तों 46 नंबर सवाल कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, याद रखिएगा
कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये कब किया गया था 1949 में किया गया था। वर्तमान में जो इसको गवर्नर है दोस्तों किसके, तो आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास, याद रखिएगा शक्तिकांत दास जो जो दोस्तों ये 25वें नंबर के गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है ठीक है। 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के, ठीक है आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 47वां सवाल, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी, याद रखिएगा सुपीरियर झील ठीक है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, याद रखिएगा सुपीरियर झील, याद रखिएगा सुपीरियर झील जो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, सुपीरियर झील ये ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। सबसे गहरा झील कौन सा दोस्तों विश्व का सबसे गहरा झील, तो बैकाल झील जो है दोस्तों विश्व का सबसे गहरा झील है बैकाल झील, आप याद रखिएगा सबसे गहरा झील बैकाल झील। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैप्सियन सागर ठीक है। सुपीरियर झील ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, याद रखिएगा बैकाल झील क्या है दोस्तों सबसे गहरा झील है। अगर हम बात करते हैं 48वां सवाल कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, याद रखिएगा दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश क्या करता है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, आपको ध्यान रखना है ठीक है। मुख्य न्यायाधीश क्या करता है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में कैवे राष्ट्रपति है, तो 15वें राष्ट्रपति है, जो कहां की रहने वाली है उड़ीसा की रहने वाली है, जो आदिवासी महिला है, कौन सी आदिवासी है तो संथाल है ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 49वां सवाल है कि अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा अजंता और एलोरा की जो गुफा है दोस्तों ये मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा यानी कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र ठीक है, महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता की गुफा स्थित है, आपको ध्यान रखना है एलोरा और अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है, कहां स्थित है महाराष्ट्र में, किसका मुख्यालय अजंता और एलोरा की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राजधानी क्या दोस्तों मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का नगर या फिर शहर कहा जाता है ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा एकनाथ शिंदे ठीक है, एकनाथ शिंदे दोस्तों ये वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला दोस्तों 50वां सवाल और आज का लास्ट सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी होती है दोस्तों अस्टेपीज, याद रखिएगा अस्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है दोस्तों कान की हड्डी होती है। अगर हम बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी दोस्तों, याद रखिएगा जांघ की हड्डी जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों फीमर कहा जाता है, क्या कहा जाता है फीमर कहा जाता है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की तो यह होता है दोस्तों फीमर, ये आपको ध्यान रखना है जांघ की हड्डी फीमर ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपीज होती है जो कान की हड्डी होती है दोस्तों ठीक है। ये था कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को डिस्कस कर लिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। कर दो क्लास नहीं।